तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कराए अराउंड ए पैराबोलिक पाथ, और वाई वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस टू, एक पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पर एक पार्टिकल चल रहा है सच दैट वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस वेक्टर रिमेंस वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर 5 मिनट ड्यूरिंग द मोशन। तो जो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही यहाँ पर है। वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी वाई वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा रहता है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक ना, कांस्टेंट रहता। मतलब ये है कि एक्सलेशन इन वाई एक्सिस में 0 आएगा। एक तो यहाँ से हमें लॉजिक, एक एक्सलेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन निकालना। अगर कोई पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, ये पैराबोलिक पाथ है, इस पे चल रहा पार्टिकल, तो इस पैराबोलिक पाथ पे किसी भी इंस्टेंट अगर देखोगे तो उसके पास दो एक्सलेशन होगा, एक एक्स एक्सिस वाला एक्सलेशन होगा, एक वाई एक्सिस वाला एक्सलेशन होगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही उसके पास एक्सलेशन ए होगा। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। अब यहाँ से तुम देख रहे हो ए वाई पहले ही 0 है, तो यहाँ से जो नेट एक्सलेशन बचेगा वो ए एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 का स्क्वायर रखोगे तो 0, मतलब नेट एक्सलेशन यहाँ पे ए एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला चीज़ क्लियर है लॉजिक। तो अब मुझे नेट एक्सलेशन ए निकालना है या ए एक्स निकालना है। तो एक्सलेशन कैसे निकालते हैं? एक्सलेशन निकालते हैं डेरिवेटिव करते हैं। किसका डेरिवेटिव करें भैया? तो अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो इसको तुम्हें वेलोसिटी पता नहीं, पोजीशन दिया हुआ, तो पोजीशन को एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ से वेलोसिटी विजिबल होगी, फिर वेलोसिटी को एक बार और करोगे तो एक्सलेशन पता चलेगा। तो इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, तो डी एक्स ओवर डी टी लिखता हूँ। आई होप सबको आता होगा डेरिवेटिव, 2y डी वाई ओवर डी टी, ठीक है ना, प्लस 2 यहाँ डी वाई ओवर डी टी, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2y, और डी वाई अपन डी टी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस 2, दिस इज वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस वी वाई की वैल्यू यहाँ पहले से दे रखा है 5 है। तो अगर मैं यहाँ मैं अगर 5 रख देता हूँ तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 2 वी वाई 5 रखोगे तो y, और यहाँ से 5 रख के प्लस 2, और यहाँ से इसको 5 रख के, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10y और प्लस ये 10, दैट इज़ वेलोसिटी वी एक्स, ठीक है। अब इसका इसको एक बार डेरिवेटिव करोगे तो x लेसन दिखेगा। तो अगर एक बार इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखिए कितना आता, तो dx ओवर dt इसको करोगे तो d ओवर dt अगर इसको करोगे तो ये 10y यहाँ से, और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा dy ओवर dt। तो दिस इज व्हाट dv ओवर dx एक्सलेशन ax बनेगा और 10, और dy ओवर dt क्या बनेगा, तो यहाँ से dy ओवर dt यहाँ से बनेगा वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस। तो यहाँ से जो एक्सलेशन ax या नेट एक्सलेशन बनेगा वो 10vy बनेगा, 10vy, 10vy की वैल्यू यहाँ 5 है, तो दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेट एक्सप्रेशन दिखेगा, ठीक ना। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। डेरिवेटिव जिसको आता वही कर पाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। थैंक यू।